बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए मटन मलाई बोटी बनाने की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। मटन मलाई बोटी बहुत ही मैं आसानी से और सिंपल तरीके से बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं मटन मलाई बोटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं इसको किस तरह तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। मलाई बोटी मसाला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम जल्दी से नोट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है मीट, ये लैम्ब मीट है, तकरीबन 2 पाउंड है। ये इस तरह बाइट साइज पीसीज में हमने कटवा लिया था। गोल बोटी है ये। एक लार्ज साइज का अनियन है, इसको मैंने चॉपराइज कर लिया है। 1/2 कप हम ऑयल लेंगे और मेन इंग्रेडिएंट इसके लिए है फ्रेश क्रीम है मेरे पास 4 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून हम लेंगे योगर्ट का। पिसा हुआ गार्लिक है 1 टीस्पून, पिसा हुआ जिंजर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमन सीड्स हैं यहाँ पर मेरे पास 1/2 टीस्पून, पिसी हुई ग्रीन मिर्चें हम ले रहे हैं 1 टीस्पून, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर हम लेंगे 1/2 टीस्पून। ये दोनों ही पिसी हुई हैं, पाउडर फॉर्म में हैं, दोनों ही 1/2 टीस्पून लेंगे। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। धनिया हम लेंगे गार्निश के लिए, मेरे पास फ्रोज़न धनिया है, आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गलने के लिए रख लेते हैं, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। गोश्त को ऐड करेंगे। ये जो हमने गार्लिक और जिंजर लिया था 1/1 टीस्पून, इसमें से हमने 1/2 टीस्पून जो है इस पॉइंट पर डाल लेना है। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं जिंजर और साथ ही 1/2 टीस्पून गार्लिक का, और साथ ही यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप पानी, इसको भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी डाल लेते हैं। अब हम इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको पकने देंगे उतनी देर तक के लिए जितनी देर तक हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। जितनी देर हमारा जो गोश्त है वो गल रहा है, हम उतनी देर में मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉट लेना है, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। मीडियम पर फ्लेम को हमने ऑन कर ली है। सबसे पहले ये जो हमारे पास 1/2 कप ऑयल है इसको ऐड कर देंगे, और साथ ही ये जो हमारे पास चॉपराइज किए हुए हमारे पास अनियन थे इसको ऐड कर लेते हैं। ये लार्ज साइज़ का 1 ही अनियन है, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अनियन है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास जिंजर था 1/2 टीस्पून इसको, और 1/2 टीस्पून जो हमारे पास गार्लिक था पिसा हुआ इसको ऐड कर। याद है हमने आधा आधा टीस्पून जो है वो हमने गोश्त को गलाते वक्त भी डाला है, तो टोटल हमने 1/1 टीस्पून लिया है। अब गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल गया है। गोश्त को गलाने के लिए हमने पहले 1 कप पानी का लिया था, उसमें गोश्त जो है वो गल नहीं पाया था, तो फिर मुझे 1 कप और डालना पड़ा, तो टोटल मैंने 2 कप डाले हैं गोश्त को गलाने के लिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। गार्लिक और जिंजर दोनों चीज़ें अब हमने अनियन के साथ डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर ली हैं। अब हम इस पॉइंट पर यह जो हमने अपना गोश्त को उबाला है इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये जो हमने गार्लिक जिंजर गोश्त को उबालते वक्त डाला था ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही
किसी चीज़ के बगैर, गार्लिक जिंजर के बगैर जब हम इसको गला लेते हैं तो फिर एक गोश्त के अंदर से जो स्मेल सी होती है वो कभी भी नहीं जाती, जितना मर्ज़ी हम उसको फ्राई कर लें। लेकिन यह है कि इस तरह करने से बहुत हद तक जो होती है वो जो स्मेल होती है गोश्त में से वो चली जाती है। बीफ और मटन दोनों को ही हमने ऐसे थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर लगा कर ही गलाना है। अब यह जो हमारे पास पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें थी इसको भी हमने डाल देना है। और साथ ही ये जो हमारे पास ज़ीरा है इसको भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर भी। ये जो हमारे पास योगर्ट है इसको ऐड कर देंगे। ये जो हम योगर्ट ऐड कर रहे हैं इसको फेंट कर डालना है, बिल्कुल हमने स्मूथ योगर्ट डालना है। अब साथ ही ये जो हमारे पास ब्लैक पेपर है इसको भी, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें इन दोनों को भी डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी उतनी ही अच्छी हमारी जो है मलाई बोटी बन के तैयार होगी। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ये जो हमने गोश्त को बॉइल्ड किया था उसका स्टॉक बच गया था, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर डाल लेंगे ताकि हमारी जो मलाई बोटी है इसको अच्छा सा एक टेस्ट मिले। सॉल्ट को ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने उस वक्त डाला था जब हमने गोश्त को गलाने के लिए रखा था, हाफ टी स्पून अब हमने डाला है, टोटल हमने 1 टीस्पून डाल दिया है। अब हम इसके अंदर क्रीम को ऐड कर देंगे। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, जो हमारे घर में नॉर्मल दूध आता है तो उसके ऊपर जो मलाई होती है उसको उतार कर वो भी हम डाल सकते हैं। कोई सी भी जो आप अच्छी सी जो क्रीम आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अब हमने ये जो हमारे पास गरम मसाला था इसको भी ऐड कर लेना। अब हमने उतनी देर भूनना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब हम थोड़ा सा धनिया इसको डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर मेरे पास हाफ क्रीम चिलीज़ को मैंने ऐसे बारीक सा काट लिया है इसको भी डाल देंगे। और हाफ चिली मेरे पास रेड वाली है, नॉर्मल ही चिलीज़ हैं, ये सिर्फ इसकी लुक ज़रा अच्छी आ जाए इसलिए मैं ये रेड को डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी मलाई बोटी बन के तैयार हुई है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए ढक देना ताकि धनिए की और हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से हमारी जो मलाई बोटी है उसके अंदर आ जाए। अब माशाल्लाह हमारी मटन मलाई बोटी बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हमने मटन मलाई बोटी को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी बनी है। आप ही इसी तरह मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी मलाई बोटी इसी तरह बनके तैयार होगी। बिल्कुल इसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल है, खाकर कोई भी कह नहीं सकता कि ये घर की बनी हुई है या रेस्टोरेंट की है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।